दोस्तों मैं देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये है सरसों, ठीक है। तो ये सरसों इसे छड़ाया जाएगा, यानी इसे निकाला जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर सरसों रखा हुआ, इसे सुखाया गया धूप में। देखिए ये सरसों, देखो येलो रहता है, ये ब्लैक वाला सरसों है। इसे किस तरह से निकाला जाता है मैं आज प्रोसेस हम लोग बताएंगे। देख नीचे कितना सरसों गिरा हुआ है, सब रखते हुए देखे झड़ के गिर गया नीचे। ये रहा सरसों, ठीक है, सरसों का तेल, सरसों। तो चलिए ब्लॉग्स का भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस तरह से इसको किस तरह से निकाला जाएगा वो प्रोसेस मैं आज आप लोग बता रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्टर से लाया जाता है सरसों। मैं आज सामने आपको एक मशीन रखा, उस मशीन का खासियत बता रहा हूँ किस तरह से प्रोसेस किया जाता है सरसों का। स्पीड दोस्तों सरसों का जो वो सब जो है, जो बिचाली सब जो है वो सब इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। इसके अंदर डाल के उसका जो मतलब कैसा सब है, यहाँ से और यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से। और सरसों निकलेगा आपका यहाँ से, सरसों यहाँ से निकल जाएगा आपका। यहाँ पर एक बोरा वोरा रख देता है तो सरसों निकलता रहता है, और इस तरह से यहाँ पर छनाता है, सरसों छनाता है, इस जगह पर गिरता है सरसों, छना के यहाँ से सरसों निकल जाता है। ब्लैक वाला भी सरसों है गांव में। तो ये है प्रोसेसिंग सिस्टम, यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्पीड, हाई स्पीड में काम होता है। देखिए गोल से चरखा है, यहाँ पर एक गोल से चरखा है, ये रेशों को मतलब पीटता है, कूटता है इस तरह से, जिस पर वहाँ पर जो बिचाली सब है उसको कूटेगा इस तरह से, और कूटते हुए उसको अलग करेगा, और सरसों का दाना सीधे नीचे नीचे गिरेगा, और ये आगे से प्रोसेसिंग, और उसका रेशा सब है जो बिचाली सब, यही सब यहाँ से निकलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है JK सुपर मंकी, यहाँ पर लिखा एग्रीकल्चर, तनिष्ठ कंपनी का है एग्रीकल्चर। तो ये रहा प्रोसेस सिस्टम, सरसों को निकाला जाता है यहाँ तक, धान को भी शायद निकाला जाता है इससे, चीन जो गांव के लोग इसे खरीद कर धान को भी शायद निकाला जाता है इसी से धान। फिर ये देखा ट्रैक्टर खेत उत सामान वामान जैसे प्याज आलू को इस ट्रैक्टर से हाल भी जोता जाता है, उसके बाद इस ट्रैक्टर से सामान को भी प्रोग्रेस किया जाता है। यहाँ बस देखा हुआ मेरे पाइप उप सब है, इधर भी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सामने चलते हैं, देखिए कितना सरसों गिरा हुआ है, ये कितना सरसों गिरा हुआ है सर। यहाँ पर रखते हुए जितना भी सरसों में झड़ा झड़ा के देखे कितना सरसों गिरी है, ये रहा सरसों, देख रहे फ्रेंड्स, ये ब्लैक वाला सरसों है, ब्लैक वाला सरसों फ्रेंड्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ ब्लॉग्स को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कीजिएगा, ठीक है। ये रहा ब्लॉग्स, पसंद कीजिएगा फ्रेंड्स। टाटा टाटा, बाय बाय।